नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोटेगांव के पास रहली ग्राम में काफी लंबे समय से आरोपी ओंकार पटेल पिता वीरन पटेल उम्र 37 वर्ष मादक पदार्थ स्मैक की बिक्री करता है। मुखबिर की सूचना पर गोटेगांव पुलिस ने ओंकार पटेल के घर की घेराबंदी कर मकान के बाजू में ही टपरिया में गोबर के कंडों के बीच स्मैक बरामद की, जिसको लेकर पुलिस गोटेगांव थाने पहुंची। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि 23 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत लगभग 2,30,000 है एवं आरोपी के पास से नकदी 70,520 रुपए बिक्री की जब्त किए गए हैं। पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्राम रहली का ओमकार पटेल पिता वीरन पटेल अपने घर के बगल में एक टपरिया है, उसमें गोबर के कंडों के बीच में ये अवैध मादक पदार्थ इसमें रखा हुआ है तथा बिक्री करता है। तो मुखबिर की सूचना के तस्दीक हेतु हमारा स्टाफ और गवाहों को लेकर पहुँचे, रेड कार्रवाई की, तो गोबर के कंडों के बीच उसके घर के बगल में ये स्मैक पाउडर मिला है, जिसकी ये गिन वो तौल करने पर लगभग 23 ग्राम स्मैक पाउडर है तथा बिक्री के वहीं पर बिक्री के करीबन 70,520 रुपये जो कि स्टील के डिब्बे में थे वो भी जब्त किए गए हैं। हर रोज बड़ा कवरेज, जिला ब्यूरो चीफ आशीष साहू, जिला नरसिंहपुर, कोटेगांव।